उदू बाद महीना सवा महीना ही लग गया धरनिया च कट्ठ वध्या लामबंदियां हुंदियां तां इत्थे आ गया आपां 27-28 तरीक तक इत्थे हुण पिंड बज गए। जे तां असीं बगावती होईए असीं हथियारां वाले होईए तां साडा ढंग कोई होर हुंदा। हुण असीं पहले दिनों बोल के आए हैं कि असीं भाई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आ महीना साडे वास्ते बैराग वाला महीना कह लो, बैराग दे नाल नाल हौसले वाला भी है, क्योंकि साडे प्यो ने गल ही एक कहती भी जो भी जांदा अखीर ते असीं इही कहिंदे आ कि खालसा जी हाल की ने, चढ़दी कला च बाबा। मैं कहिंदा इसे करके एक गल ठोक के कहिंदा है कि नौजवानी करके ही इह अंदोलन इत्थे खड़ा है। उठ के जो बैठ काचो धरने च आए ने, ओगियां बुरज ठंडे ए दिल्ली दिया सड़कां उत्तों वेख मौसमां दे हाल, नौजवानी है नी रखी बेबे बापू दा ख्याल। इज्जतां साडियां और बहुत माण मत्ते साडे बजुर्ग साहिबान और मेरे दोस्त मित्र सारे नौजवान छोटे बच्चे और साडा मीडिया जिन्हें भी कदम इत्थे चल के आए हो इस सभा च हाजिर हो आप सब दे अंदर विराजमान उस परम शक्ति नूं मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कबूल करियो प्यारियो, आ एक एनर्जी है इहनूं मेरे वर्गा पापी बंदा भी महसूस कर सकदा है। आ जिहड़ी एक एनर्जी है उहदा कारण पता की है, आपां सारे तीन तीन महीनों की मेहनत तो बाद इत्थे अज आ मोर्चे च बैठे हैं उहदी कृपा सदका। हुण एक साडा फर्ज बनता इत्थे, कोई वेला सी अनाउंसमेंटा दा वेला सी कि भाई बिल आ गए, भाई बिल आ गए, ये साडे हक दे नहीं है, साडे पक्ष दे नहीं है, सानू विरोध करना चाहिए। महीना सवा महीना जिथों जिथों सूबे वाले सारे बैठे हो सारिआं दीआं किसान जथेबंदियां नूं साडा सलाम है, सल्यूट है, मेहनत करके आए हैं। महीना सवा महीना लग गया सारिआं नूं कि भाई आओ, उदू बाद महीना सवा महीना ही लग गया धरनिआं च कट्ठ वध्दिआं लामबंदियां हुंदिआं तां इत्थे आ गए आपां 27-28 तरीक तक। इत्थे हुण पिंड बज गए, चारे पासिओं चार पिंड बज गए, गाजियाबाद भी बज गया, पलवल भी बज गया, उधर टिकरी वाले पासे बज गया, इत्थे कुंडली बज गया, हुण चारे जयपुर भी, जी जयपुर भी पिंड बज गया, तां पंजे पिंड बज गए बाबे होए। हुण इन्हां पिंडां च आउणा, जे तां असीं बगावती होईए असीं हथियारां वाले होईए तां साडा ढंग कोई होर हुंदा। हुण असीं पहले दिनों बोल के आए हैं कि असीं भाई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अंदोलन है जिहड़ा। हुण इह पिंड वस गया, इत्थे लड़ाई भी लड़नी है, जंग भी लड़नी है, पर शांति नाल लड़नी है। सारा दिन किवें लंघे, इह वड्डा सवाल है कि सारा दिन किवें लंघे। उस दिन दे विच बड़ियां सोहणियां सोहणियां विधा बणाईआं सच्चे पातशाह ने, क्या सभावां होणगीआं इहनां नूं अटेंड करिए। 50-50, 60-60 वरिआं दे एक्सपीरियंस लैके जिहड़े इत्थे विद्वान बोल रहे हैं उहनां दीआं गल्लां नूं सुणीए, महसूस करिए और उहनां नूं अपनी जिंदगी च लैके आईए। उस तों बाद जिवें रोज़ दा साडा अकोमोडेशन भी है, साडा खाण पीण भी है, लंगर भी है, साडे इत्थे सफाई करना भी साडा कर्म है, तां इह सारीआं चीज़ां है जिहड़ीआं हुण इत्थे नौजवानां नूं देखणीआं पैणीआं है। जिहड़े देख रहे हैं शाबाशी उहनां भरावां नूं, इहनां बजुर्गां वल्लों, इहनां मातावां वल्लों और पूरे औरे वल्लों, पर यह सारिया चीजा हुण सानू सारिआं नूं रल मल के करनिया चाहीदिया। नौजवानी नूं हुण झाड़ू चकना चाहीदा भाई कि जिथे जिथे भी सानू लगता है कि कोई एरिया साफ नहीं है वह सानू साफ करना चाहीदा। बाकी जिहड़ी मुख दी गल है इस वेले, आ महीना साडे वास्ते बैराग वाला महीना कह लो, बैराग दे नाल नाल हौसले वाला भी है, क्योंकि साडे प्यो ने गल ही एक कहती भी जो भी जांदा अखीर ते असीं इही कहिंदे आ कि खालसा जी हाल की ने, चढ़दी कला च बाबा। मैं कहिंदा चढ़दी कला च असीं हैगे, चढ़दी कला वाले ही हैं। सो इस महीने च जो मर्यादा कहिंदी है, जो बैरागी है, इह तां इउं ला लो किसे साधु महापुरश कोले बहि के पुछांगे ना कि आह महीने दा की हाल है, उह आखूगा कि किन्नियां लावां पड़ियां सी जदों महाराज ने दो मेल कराए।
तो मेरे अर्गा भी कह दो कि बापू जी ने चार लावा पढ़ाईया सी तो कहेंगे फिर इस वेले तैनू महाराज ने तीजे डंडे ते बिठा रखे है। तो मेरे अर्गा भोला फिर पूछू बापू जी तीजा कि कही जाने कहते तीजा बराग का ही होंगे ना तो महीना हूं बराग का ही है इदू बाद साहेब ना मेल है किन्ना नेड़े बैठे हैं असीं रब दे ताइयों सियाणे बंदे अजकल एक देसी भाषा च ठेठ जे लहजे च कहिंदे हुंदे आ भाई आ महीने च वैसे तो पल पल ही उहदी बंदगी दा आ महीने च कहिंदे जिहड़ा थोड़ा जिहा वी सटज्जे ढंग नाल बह गया ना ते कर गया उहदे नाल गल्लां कहिंदे मेल छेती हुंदा इहनां महीनां च कारण है कि बहुत सारिया भावनावां बहुत वड्डा एक औरा बहुत वड्डी एनर्जी है जिहड़ी इहनां महीनां च खास करके वास करदी है साडे अरगे पापियां दे अंदर वी मेरे अरगे पापियां दे अंदर वी। सो ख्याल रखियो मित्रों प्यारे नौजवानी भगती वाले पासे इस महीने लाओ क्योंकि सारा दिन कढ़ना औखा है वेले बंदे लई वेला बंदा फिर ट्रैक्टर ते डैक लाऊगा इत्थे वॉइस पोल्यूशन करूगा है ना सफाई वाले पासों ध्यान हट जाऊगा और मुख दी गल साडे प्यो दादे साडियां मावां साडियां दादियां इत्थे आईआं उमरां हुण साथ नहीं दिंदियां उमरां हुण वड्डियां होई जांदियां तां इक ठीक है यह है ही उन्होंने धिया पोता जिन्होंने हार कदे मनी हो ही नहीं हार कदे मनी नहीं आए है नौजवानी शाबाशी है कि इस बारी मान रखे सारे सूबे की नौजवानी ने कि भरमी हाजरी दी है इस करके एक गल ठोक के कहना है कि नौजवानी करके ही यह अंदोलन इत्थे खड़ा है इस गल की दात है सारे कि नौजवानी करके खड़ा पर हुण जदों एडा वड्डा मान महाराज ने तुहानू बख्शिया है तो अपनियां जिम्मेवारियां सांभो भाई जिम्मेवारियां सांभो सारे दिन नू छोटे छोटे ग्रुपां च आवदियां बह के बाबे नानक वालियां गोष्ठियां करो कि आपां इत्थे की जिम्मेवारियां सांभीए फिर डैक भी बंद हो जाएंगे फिर कहने की लोड़ नहीं पैनी फिर सफाइया भी आने लग जाएगियां फिर असीं लंगरां च भी साडा सिस्टम जिदा सोहना चल रहा है होर सोहना हो जूगा तो कहने का मतलब कि एक पिंड दे विच जो जो मर्यादावां हुंदियां वह सारियां की जिम्मेवारी हुण सजणो तुहाडी है। तो कुछ लफ्ज़ है वह मैं तुहाडे नाल बह के जरूर पढ़ना चाहुंदा है यह लफ्ज़ मैनूं लगदा तुहानूं सारा कुछ कह जाणगे यह इन्हां बजुर्गां की भावना है इस समुचे औरे की भावना है उठ के जो बैठ काचो धरने च आए ने उठ के जो बैठ काचो ओ धरने च आए ने थोड़े नाल खड़े भावे ए मरने ते आए ने हो गया बुरज ठंडे ए दिल्ली दिया सड़क उत्तों वेख मौसम दे हाल नौजवानी है नी रखी बेबे बापू दा ख्याल नौजवानी है नी रखी बेबे बापू दा ख्याल सत श्री अकाल। ये भावना है मेरी औकात नहीं है कुदरत बोलती है वसा लो ना लफ्जों आपके मन च एक बारी फिर पढ़ना उठ के जो बैठ काचो के जो बैठ काचो ओ धरने च आए ने साडे नाल खड़े भावे ओ मरने ते आए ने हो गया बुरज ठंडे ए दिल्ली दिया सड़कां उत्तों वेख मौसम दे हाल नौजवानी है नी रखी बेबे बापू दा ख्याल ओ मेरे प्यारे ओ रखी बेबे बापू दा ख्याल अकाल है बाबे अकाल है अकाल है अगली बात अगली बात है साढ़े बुजुर्ग अकाल है बाबे अकाल है साडा बुजुर्ग कोई बैठा इतनी धूनी सेक रहा है हम
पिंड वांगू नहीं कह रहा आपके मुंडे नूं जां आपके पोते नूं कि पुत लिया तेरी बेबे तो अंदरों पाथियां चक के लिया जां कोई लक्कड़ इत्थे अरेंजमेंट करना पैंदा है। हालांकि कसर नहीं छड़ी महाराज ने बड़े दानी सदने इत्थे भेजे है हर चीज दीआं शहबरां लगियां पईआं पर फिर भी कहिंदे हुंदे आ घर घर ही हुंदा है। तां उत्थे इक गल है धौणे उत्ते करके आकाश वेख रहा सी उत्ते करके आकाश वेख रहा सी बुझी हुई पट्टी उत्ते हाथ सेक रहा सी कंबदे जे हाथ दोवें जोड़ लै सी बापू ने तेरा पाना मिठा कहके मत्था टेक रहा सी इन्हां ने ता केवल भविख साडा वेख्या इन्हां ने ता केवल भविख साडा वेख्या अपने ता बचे कुछ साल नौजवानी है गाओ मुंडियो नौजवानी है रखी बेबे बापू दा ख्याल भैन मेरी है रखी बेबे बापू दा ख्याल